दोस्तों, दूसरे ग्रहों और उनके मून्स का अध्ययन करने के लिए भेजे गए कुछ प्रोब मिशनों को इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि उस ग्रह और उनके चंद्रमाओं में पनप रहे जीवन को किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सके। वही कुछ प्रोब मिशनों को जानबूझकर उस ग्रह पर मरने के लिए धकेल दिया जाता है ताकि वह अपने आखिरी समय में भी उस ग्रह के एटमॉस्फेयर और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सके। ऐसे में हम एक एक कर ऐसे ही कुछ मिशनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गैलीलियो मिशन जुपिटर 2003। गैलीलियो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक ऑर्बिटर मिशन था जिसका मुख्य मकसद जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में रहकर इस ग्रह के कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और उसके मून्स का करीबी से अध्ययन करना था। गैलीलियो मिशन को 1989 में लॉन्च किया गया था, जो कि करीब 6 सालों की लंबी यात्रा के बाद सन 1995 में जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ। गैलीलियो मिशन का एक्सपेक्टेड लाइफस्पैन केवल 2 सालों का था, पर नासा के वैज्ञानिकों के सूझबूझ के चलते इस मिशन को जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में करीब 8 साल पूरे हो चुके थे। पर 2003 की शुरुआत में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था। ऐसे में वैज्ञानिकों को इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर एक बेहद ही कठिन फैसला लेना था कि क्या इस स्पेसक्राफ्ट ऐसे ही जुपिटर ग्रह का चक्कर लगाने के लिए छोड़ डीएच दिया जाए या फिर इसे जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में जलाकर नष्ट कर दिया जाए। गैलीलियो मिशन ने अपने अंतिम दिनों में जुपिटर ग्रह के मून यूरोपा में मौजूद वाटर प्लूम्स और अंडर वाटर ओशंस की खोज की थी। यह एक बेहद ही बढ़ी खोज थी जिसकी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान इस छोटे से आइसी मून की ओर गया था। ऐसे में कई वैज्ञानिकों का मानना था कि इस ग्रह के अंडर वाटर समुद्रों में किसी प्रकार का माइक्रोबायल लाइफ भी मौजूद हो सकता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि पोटेंशियली अर्थ जर्म्स और माइक्रोब से भरा हुआ गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में अनियंत्रित होकर जीवन से भरपूर यूरोपा मून से टकरा जाए। ऐसे में वैज्ञानिकों को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को उसके फ्यूल के खत्म होने से पहले ही सावधानी पूर्वक जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय करना था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट को कम करना शुरू किया ताकि इसे जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर की ओर मोड़ा जा सके। और आखिरकार 2003 में यह स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में जलकर नष्ट हो गया। पर अपने अंतिम दौर में भी इसने जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में गोता लगाते हुए उसके मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन बेल्ट और चार्ज्ड पार्टिकल्स से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूले ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।